और अमेठी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार स्मृति ईरानी सोमवार को नामांकन दाखिल करने वाली हैं। इससे पहले रविवार को वो धार्मिक यात्राओं के जरिए अपनी राजनीति साधने की कोशिश करते दिखी। आज स्मृति ईरानी ने अयोध्या और अमेठी के 9 मंदिरों में मत्था टेका। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने रविवार को रामलला के दर्शन पूजन किए और जीत का आशीर्वाद प्रभु श्रीराम से लिया। उन्होंने कहा, आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि ऐसे युग में जन्मी हूँ जिसमें हमारे रामलला को टेंट से भव्य मंदिर में प्रवेश होते देखा। आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि एक ऐसे युग में जन्मी जिसने हमारे लाला को टेंट से भव्य मंदिर में भव्य समारोह में प्रतिष्ठित होते देखा। आज विशेषतः संतों का सानिध्य पाकर उनका स्नेह और आशीर्वाद। स्मृति ईरानी हनुमानगढ़ी भी गई और वहां उन्होंने बजरंग बली का पूजा अर्चन किया। अयोध्या यात्रा के दौरान उन्होंने साधु संतों और महंतों का आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने कहा कि प्रभु के श्री चरणों और संतों के सानिध्य में सनातन की विजय पताका फहरते देखना अविस्मरणीय है। भव्य मंदिर में स्थापना के साथ रामलला की करुणा देश के हर माँ को छू रही है। उधर खबर है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाने वाले हैं। ऐसे में स्मृति ने नामांकन से पहले रामलला के दर्शन करके संदेश देने की कोशिश की है, तो वहीं बीजेपी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, दोहरे विचारधारा, दोहरे चरित्र के लोग हैं और दोहरा चेहरा इनका है। इनके चेहरे कई बार बेनकाब हुए हैं और इनकी बातों में उत्तर प्रदेश और देश की जनता फंसने वाली नहीं है। ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सम्मानित जनता की भावनाओं से खेलना इनका फैशन है और इस बात को देश और प्रदेश की बहुत अच्छी तरीके से जनता जानती है, समझती। स्मृति ईरानी ने अमेठी लोकसभा सीट पर 2019 में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को हराकर संसद तक का सफर तय किया था। कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा से पहले ही स्मृति ईरानी ने सीट पर माहौल तैयार कर दिया है। वो कांग्रेस के खिलाफ जोरदार हमले भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।